खबर मसूरी से है, जहां अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान समिति ने क्यारकुली भट्टा के बांसागाड़ गांव में पहुंचकर योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की जानकारी ली। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय कमेटी के चेयरमैन कृत के सोलंकी ने बताया है कि उन्होंने बांसागाड़ गांव में पानी, सड़क और स्कूल की समस्याओं को देखा। उन्होंने कहा कि विधायक गणेश जोशी ने गांव में अच्छा प्रयास किया है, लेकिन आज भारत सरकार की योजनाओं का यहां पर अच्छे से क्रियान्वयन किया जा रहा है या नहीं, उसका निरीक्षण किया गया है। मसूरी से नरेश नौटियाल की रिपोर्ट। गांव में जिस प्रकार से हर घर जल का मिशन हुआ है, यहां पहले लोगों को बहुत सारी दिक्कतें थी, जल की दिक्कतें थी, रास्ते ठीक नहीं थे, शिक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं था। हमारे गणेश यहाँ के जो जोशी जी यहाँ के विधायक है, उन्होंने जो प्रयत्न किया यहाँ, और ये सब जो डेवलपमेंट हुआ है, कल्याणकारी योजना हुआ है, इसके लिए कमेटी का बहुत ही संतोष है। मगर बहुत सारे काम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए और भी हमें करना बाकी। SC ST की जो वेलफेयर कमेटी है वो आई है, हमारे चेयरमैन साहब भी आए हैं और सभी राज्यसभा और लोकसभा के सांसद भी आए हैं, और आज हमने पूरे स्टेट के सभी विभागों की समीक्षा की। उत्तराखंड राज्य के अंदर भी जिस प्रकार से भारत सरकार से चलने वाली योजनाएं हैं, उन योजनाओं का इम्प्लीमेंट किस दिशा में कितना हो रहा है,